छह राज जो मर्द कभी नहीं बताते, आप मर्दों के मुतालिक क्या और कितना जानती हैं, और पेचीदा मसाइल जो औरत और मर्द के बीच होते हैं वो क्यों होते हैं। तो इसकी वजह जहां दोनों जिंसों का फ़र्क है, वहीं दूसरी वजह दोनों की सोच का फ़र्क भी है जो दोनों में इख्तलाफात का बाइस बनती है। यह मैं आपसे मर्दों के राज बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानने से कि जिसका कोई हल नहीं आप सब्र कर लेंगी और ताल्लुकात बिगड़ने से बचने की उम्मीद कम से कम हो जाएगी, क्योंकि ये राज मर्दों की आदतों में शामिल हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहला राज, उन्हें पुरसकून लम्हात की ज़रूरत होती है। मर्दों की एक आदत के जैसे सुनकर आपको शायद हैरत हो कि वो कभी कभार दिल की गहराई से चाहते हैं कि वो दुनिया की झंझट से दूर हो जाए और अकेले या दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के बगैर, अपनी लाइफ पार्टनर के बगैर वक्त गुजारें। लेकिन इसके बरक्स खवातीन ये नहीं चाहती कि वो उसे छोड़ कर कहीं जाए। ये मामूली इख्तलाफात कभी कभी बड़े झगड़े का सबब बनते हैं। दूसरा राज, मर्द तफसीलात पर तवज्जो नहीं देते। मर्दों की दूसरी आदत के जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता वो है कि उन्हें अपनी बीवी की या वो जिससे मोहब्बत करते हैं कि वो बातें जो अपने मर्द से करती है याद नहीं रहती, जैसे शादी की तारीख, पहली मुलाकात की तारीख, डेट ऑफ बर्थ के वो विश करें, या ऐसी बहुत सी बातें जिन्हें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं लेकिन लड़के बिल्कुल याद नहीं रखते। यहाँ एक बात बताता चलूं कि लड़के अहमियत तो देते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता, जिससे लड़कियाँ ये समझती हैं कि वो मोहब्बत नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं है, इसलिए इस बात के लिए लड़ना नहीं चाहिए बल्कि समझ लेना चाहिए कि ये इनका नेचर है। तीसरा राज, मर्दों की परेशानियाँ और औरत। मर्दों का एक राज जिन्हें अक्सर औरतें नहीं समझती वो है इनकी ज़ाती परेशानियाँ, जैसे घर का बजट चलाना, मुसीबतों और आफात से बचने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके रखना। ये वो परेशानियाँ हैं जिसका तस्करा वो अपनी औरत से नहीं करते, और ना ही ये परेशानियाँ समझ आ सकती हैं कि पैसा कहाँ से और कैसे आता है। जो खवातीन उन्हें समझती हैं फिर वो खुद भी परेशान रहती हैं। यही वजह है कि मर्द अपनी परेशानी अपनी शरीक से शेयर नहीं करते ताकि वो उसे इस परेशानी में ना डालें और इस मुसीबत से बचाएं। चौथा राज, मर्द भी डरते हैं। मर्द का तस्वीर औरत के लिए सुपर हीरो जैसा होता है जो उसे शिकार करेगा और माशरे में उसका एक रोब और दबदबा होगा, लेकिन शायद ही कोई मर्द ऐसा हो, क्योंकि ये अफसानवी किरदार है। जिस तरह एक लड़की कभी हीरोइन नहीं होती वैसे ही लड़का हीरो नहीं होता। इसलिए मर्द गैर यकीनी सूरतयाल से डरते हैं कि कहीं इज्जत का फालूदा ना बन जाए, और किसी लफड़े में नहीं पड़ते कि कहीं इमेज खराब ना हो। लेकिन एक औरत अपने मर्द को शेर ही मानती है और मर्द शेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पांचवा राज, मर्द हमेशा खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं। मर्द हमेशा चाहे कोई क्यों ना हो खूबसूरत लड़कियों को जरूर देखते हैं। कहा जाता है कि यह निजाम मर्दों की बदौलत आगे बढ़ रहा है, अगर वो ऐसे ना होते तो आबादी कभी यहां तक ना पहुंचती। इसलिए माहिरीन का कहना है कि औरत मर्द की सिर्फ जाहिरी हालत पर ही नजर रखे, वरना मामला लाजमन खराब होंगे, क्योंकि ये वो सीक्रेट है जिसका कोई हल नहीं। छठा राज, वो हमायत की कदर करते हैं। मर्द अपनी शरीक हयात की अगर वो साथ दे अच्छे बुरे वक्त में तो वो उसकी बहुत कदर करते हैं लेकिन बताते नहीं। इसलिए ऐसा भी होता है कि औरत मर्द के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है लेकिन
शायद ही ये कहे कि तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि मर्द दिली दिल में औरत की बहुत कदर करते हैं, लेकिन औरत को ये शिकवा रहता है कि तुम्हें मेरी कदर नहीं। हालांकि मर्द बोलते नहीं, लेकिन दिल से उसके लिए शुक्रगुजार जरूर होते हैं। ये मर्द का अपना नेचर है जिसे बदला नहीं जा सकता। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।